तो हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन देखने वाले हैं अपना वाला पाइथन का फर्स्ट एंड बेस्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक अभी अपन अपना वाला पाइथन का काम चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कोड एडिटर, जो यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं वीएस स्टूडियो कोड। अगर आपके पास नहीं है तो जाओ गूगल पे और टाइप करो विजुअल स्टूडियो कोड और डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद में चालू वो इंस्टॉल होने के बाद में आपको ऐसा आएगा, ऐसा लुक होएगा उसका वाला। तो उसके बाद में अभी आपको जाना है, आप अभी देखिए, अभी अभी कौन सा भी प्रोजेक्ट अगर आप करते हो तो प्रोजेक्ट करने से पहले आपको कुछ जो ज़रूरी बातें रहती है वो आपको ध्यान में रखते हुए आगे का प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप आपका प्रोजेक्ट का जो वर्जन कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हो। अभी अभी वर्जन कंट्रोल क्या है, तो वर्जन कंट्रोल ये बात ऐसी है कि आप आपके प्रोजेक्ट की जो स्टेप बाय स्टेप आप उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उसको आप स्टोर करके रखते हो। अगर आप आगे जाके आपका कोई एक फीचर अगर काम का नहीं रहता है और आपका पिछला जो फीचर था वो उससे अच्छा रहता है, तो आप उस नए फीचर को हटा के आपका जो पुराना रहता है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये काम गिट हब से आप बहुत आसानी से होता है, वो भी अपन आगे वाले आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं अपने गिट हब पे, गिट हब पे जाओ, वहाँ पे अकाउंट तैयार करो, उसके बाद में आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन रिपोजिटरी में आते हैं, अकाउंट तैयार करने के बाद में अकाउंट तैयार करना होगा, यहाँ पे आते हैं रिपोजिटरी में। यहाँ पे अपन डालेंगे हम क्या डालेंगे, PyTHON पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। तो बाय MSB, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे मेरे इसमें, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक किया, काहे को नहीं आया अभी मेरा नेम मेरे, अरे वो तो वहाँ पे तो वो सर्च करते रहे इसके लिए, सॉरी मेरे को भी मालूम नहीं था वो। पाइथन ट्यूटोरियल बाय बटनी बाय MSB, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे गिट के रिपोजिटरी में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आपको ABI LABEL फॉर ऑल। देखो मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक आती है, आती नहीं है, तो फिर मैं इसको पब्लिक ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे ऐसे तैयार कर ली है, आपको अगर आपका गिट का वर्जन अगर कंट्रोल करना है तो आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना है तो मत करो, करना है तो कर लो, अगर करोगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई अपन यहाँ पे आपका डायरेक्टली HTTPS ही होगा, SSH नहीं होगा, ठीक है। तो HTTPS पे जाके आप इस लिंक को कॉपी कर लो, ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है। उसके बाद में आना है अपने वाले VS कोड में। तो VS कोड में आप आने के बाद में आपको सबसे पहले तो आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए, जो यहाँ पे रहता है गिट, ये जो गिट रहता है ना, गिट गिट बैश। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, आप उसका ट्यूटोरियल आपको नेट यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप उस पर मैं अभी उस पर फोकस इतना नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना तो आप कर सकते हो, वैसी कुछ बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को प्रोजेक्ट अच्छे से उसका वर्जन कंट्रोल करना है तो उनके लिए बहुत ही बात रहती है वो करने की। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना है F1, F1 प्रेस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है गिट और उसके बाद में क्लोन, तो यहाँ पे आ जाता है गिट क्लोन की ये जो कमांड आ जाती है, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे जो आपने URL कॉपी किया था ना उसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद में सिर्फ एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में आपको वो जो रिपोजिटरी थी तो वो कहाँ पे रखनी है, इसके लिए आप यहाँ पे उसका लोकेशन चूज कर लो और सिलेक्ट रिपोजिटरी लोकेशन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो इनिशियलाइज कर रहा है। तो अभी उसने बोला कि हमने तो ले ली, तो इसी भी विंडो में अपना हमें ओपन चाहिए, तो हम इसी विंडो में उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे अभी अपना ला बेसिक तो काम हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी आ गया अपना पाइथन ट्यूटोरियल बाय MSB का, वो जो फोल्डर था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको देखना है तो कहाँ पे गया, रिफ्रेश कर दो, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें अभी कुछ नहीं है, तो अभी इसमें अभी अपना वाला प्रोजेक्ट का काम अभी अपन डालेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन एक फाइल तैयार करते हैं जो होगी टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, ये अपना पहली फाइल पाइथन की फाइल है। पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन रहता है हमेशा py.py। फाइल तैयार करने के लिए यहाँ पे फाइल न्यू का ऑप्शन रहता है, अगर मालूम नहीं होगा तो। पाइथन में इतनी सिंपल लैंग्वेज है ना, अगर आप सीखोगे तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन सीखने के लिए सबसे पहली जो अपनी कमांड रहती है वो जो सबसे पहला, कोई भी अगर लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें सबसे पहला जो रहता है अपना काम वो रहता है प्रिंट। प्रिंट करेंगे अपन हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो हेलो की स्पेलिंग HELLOW। ठीक है, ये रहता है अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अभी अगर पाइथन में ना इतना ही टाइप करने का रहता है, ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ऐसा एच क्यू नहीं वैसा एच क्यू। देखिए, तो बात ऐसी थी, पाइथन बहुत ही आसान करके रखा है पाइथन ने। सिंपली आपको सिर्फ इतना दिख लिखना है, आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली अपना ला एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपली। ठीक है, उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे रन कोड के इधर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, तो आपने 100% गड़बड़ी की है आपके पाइथन के इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो उसका इंस्टॉलेशन का आप अच्छे से देखिए, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में तो सिंपल अपन धीरे धीरे आगे जाएंगे पाइथन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करके रखा ही है तो आप पाइथन को अपने वाले CMD से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अपन CMD ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आप डायरेक्टली ऐसे टाइप कर सकते हो पाइथन, अगर आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो तो। वो तो वैसे बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। पाइथन टाइप करेंगे, यहाँ पे अपना वाला पाइथन का वर्जन भी आ जाता है और सब अपना पाइथन का प्रॉम्प्ट चालू हो जाता है। उसके बाद में 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ। डायरेक्टली अपन यहाँ पे ना, पाइथन बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है, आसान सी करके रखी है लैंग्वेज पाइथन वालों ने। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है, प्लस हो माइनस हो, जैसे कि 3/5 हो, और कुछ होता है और क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो 8+5, मतलब मैं बोल को कुछ भी रहा हूँ, उसके आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आप पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे आप डायरेक्टली कोई भी आंसर ला सकते हो। जैसे कि आपको अगर चाहिए तो ऐसा अबे 5 × 1 तो 5 ही होएगा ना, और यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, तो उसका आ गया 5 × 20 = 20 × 5 = 45 बराबर का 5 × 20। मेरे को नहीं मालूम अबे ये क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे को इतना मैथ नहीं आता है। तो ठीक है, ये सब कुछ आपके वो सिंपल ऑपरेशन है, आप वहाँ पे प्लस माइनस इनटू वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो मैं आपको ऑपरेशन की लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो आप। सिंपली अपन लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट अपना वाला, और उसमें अपन जाएंगे, मैं बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 अबे क्या हो रहा है रे, 2 + 3 2 + 1 2 - 4 कुछ भी कर सकते हो, 4/4 और 4 × 5 × 6। मतलब अभी देखिए इसका मीनिंग क्या है, जो डबल स्लैश रहता है ये रहता है हमें, अगर देखिए अभी अपन देखेंगे 5/7 करता हूँ मैं फिर से CMD ओपन करता हूँ, अगर आप मतलब रियल टाइम में आप अभी आपको दिखाना ही चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए अभी अगर अपन करें 5/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5/3 करेंगे आंसर क्या आएगा, 1.666। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5/3 हो गया, इतना सिंपल है। पॉइंट में आंसर अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो, ठीक है, इसके लिए उसका यूज़ करते हैं। आगे अगर और यूज़ पड़ेगा तो अपन देख लेंगे, 4+1 वगैरह कुछ भी लिखो,
आप ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आप यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो। और फिर से आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वैसे कुछ बात नहीं। उसके बाद बाद में अगर आपको ये अभी देखिए ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अभी आप इसके लिए मैं उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्लस माइनस तो आपको आता है और उतना इतना काम में आता नहीं है, मतलब आता भी है। उसके बाद में अभी अगर आपको कुछ स्क्वेयर करना है, अगर आपको 2 का स्क्वेयर करना है, मतलब 2:2 कुछ भी ऐसा लिखना है। अभी अपन लिखते ना 2:3, 2:8 ऐसा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डबल स्टार यूज़ करने का और 5, 2:5 मतलब अभी क्या होगा देखिए 2:8 इसका उत्तर आएगा 16 शायद 256 आएगा, मेरे को मालूम नहीं था, ठीक है। ऐसा मतलब 2:8 मतलब 2 × 2 × 2 × ऐसे 8 बार रहता है, उनका सारा का सारा मल्टीप्लाई करके 256 आता है, ठीक है। ऐसा उसका यूज रहता है। उसके बाद में हो गया, उसके बाद में अपन आते हैं परसेंटेज के ऊपर। 10/2 ये भी आप कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं इधर। हाँ तो उसके बाद में अपन अभी आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो देखिए ये जो थे अपने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए अपने यहाँ पे। तो मैं इनको आपको रन करके दिखा देता हूँ ना, ऐसा 9 सा भी हो जाएगी ना। फिर देखिए रन करके दिखा दिया, अच्छा ठीक है। तो देखिए 2+1 3 और 2-4-2 ऐसा आ गया, 4/7 0 ये 0 उसका वाला, ये डबल वाला, ठीक है। उसके बाद में ये 5 और 7 कितने होते क्या मालूम, और × 2 इसका उत्तर ये आ गया। उसके ऐसे ऐसे उत्तर यहाँ पे आ जाएंगे अपने वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात ऐसी अपने वाली, अपन जाएंगे अभी डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर। ये जो है ना ये बहुत ही बेसिक है पाइथन का, आप इसको ट्राई जरूर करिए। अगर आपको ट्राई नहीं करना है तो अपना ये जो कोड है ना ये अपने गिटहब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट वहाँ पे अभी अपन जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं प्रिंट। और अगर अपन यहाँ पे टाइप करेंगे डबल कोट में MSB, और देखिए अभी अपन ये जो स्ट्रिंग रहती ना उसको अपन डबल कोट में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अपन सिंगल कोट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। रन कर दिया ना मैंने, देखिए MSB आ गया, ठीक है। उसके बाद में अभी अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अभी अपन देखेंगे ना बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ देखने वाले अपन। तो देखिए अगर मुझे कुछ ऐसा प्रिंट करना हो तो देखिए MSBS मतलब ऐसा अपन वो करते हैं ना apostrophe S MSBs ऐसा अगर आपको प्रिंट करना होगा तो अपन ऐसा अगर इसको उठाएंगे और यहाँ पे अगर डाल देंगे तो देखिए ये एरर बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये एरर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन है, ठीक है। मतलब ऐसा अगर आप ये जो सिंगल कोट है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना इसके लिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप इस एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से उठा के आप अगर डबल कोट में अगर डालोगे, मतलब देखिए एक तो आप बाहर पे डबल कोट यूज़ करो, अंदर पे एक सिंगल कोट यूज़ करो, ओके है। एक तो आप बाहर पे डबल सिंगल कोट यूज़ करो और अंदर पे डबल कोट यूज़ करो, ठीक है, वो चलता है। लेकिन बात ऐसी रहती है अगर आप अंदर पे डबल वाला यूज़ करोगे तो यहाँ पे डबल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन बाहर पे डबल कोट यूज़ करके अंदर अपन सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और आगे जाएंगे अपन, बहुत सारा देखना है अपने को, ठीक है। ये ऐसा काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट करना हो तो MSB लैपटॉप ऐसा, तो अपन वो भी प्रिंट कर सकते हैं।
देखिए अभी इसका एक ये वाला वे वे होगा, ये सेकंड वे हो गया। अभी अपन थर्ड वे देखेंगे। प्रिंट लिखूंगा मैं फिर से, यहाँ पे मैं अभी सिंगल कोट देने वाला हूँ। और सिंगल कोट लिख के ही आपको वो जो ऐसे ना, अभी देखिए यहाँ पे अपन सिंगल कोट लिखे, डबल कोट लिखना पड़ रहा है ना अपने को, तो मैं ये अवॉइड करने के लिए मैं सिंगल कोट लिख के ही सिंगल कोट यहाँ पे लिख लिख लिखना है अपने को, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंगल यहाँ पे डबल सिंगल कोट लिख दिया MSB, और यहाँ पे मैं एक स्लैश मारूंगा, बैक स्लैश, और उसके बाद में अपना वाला ये जो आ गया है, उसके बाद में मैं एपोस्ट्रॉफी यस लगाऊंगा और एस लगाऊंगा, ठीक है। MSB हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर। अभी देखते हैं इसको रन करके, ये देखिए हो गया MSB कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से आपका मतलब एक हाथ अगर जो कोट रहता है, अगर आपको उसको इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के लिए आप यहाँ पे बैक स्लैश लगा सकते हो। जैसे कि अगर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करेंगे अपन, एक प्रिंट में जाएंगे, अभी अपन मतलब डबल कोट सिंगल कोट कहाँ पे भी प्रिंट करो आप। अभी मैं लिखूँगा MSB नोटबुक, नहीं MSB लोकेशन, और लोकेशन में अगर मैं लिखूँ, लोकेशन में अगर मुझे कोई डायरेक्टरी की अगर लोकेशन देनी है यहाँ पे, तो मैं कैसे दूंगा, सी कोलन बैक स्लैश, मतलब ऐसा कुछ भी लिखो आप, सी कोलन लिखो, उसके बाद में अपना एक आधा फोल्डर का नाम लिखो। मेरा फोल्डर का नाम है MSB, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो होगा अपना वाला, एक मिनट ना, मेरे को ऐसा ब्लैक स्लैश ऐसा ऐसा लगाना था मेरे को, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभार। उसके बाद में स्लैश नहीं, ऐसा अपना वाला एक फोल्डर है, ठीक है। सी कोलन में MSB नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नेम नाम का अपना एक फोल्डर है, ठीक है। तो इस नेम नाम के फोल्डर में आपने कुछ काम होगा, इसके लिए आपने उसको यहाँ पे लिखा है। तो अभी देखिए अपन रन रन करते हैं, तो देखिए अभी ये क्या हो गया, आउटपुट में आ गया। तो बात ऐसी थी, यहाँ पे MSB लोकेशन तो आ गया, तो स्लैश देखिए सी स्लैश वगैरह इतना तो आ गया, तो उसके बाद में का जो जो है ना AME, तो वो नीचे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैशन है ना, उसने गड़बड़ कर दी। क्योंकि अभी देखिए स्लैशन का क्या होता है, क्या काम होता है, न्यू लाइन का। अभी अभी वो कहाँ पे भी आए तो उसको न्यू लाइन का ही काम होता है। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको एक एक स्लैश लगाना होता है, फॉरवर्ड बैक स्लैश। देखते हैं अभी होता है क्या, नहीं होता है देखते हैं अपन, नहीं होता है इससे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक सिंपल आइडिया है। तो वो सिंपल आइडिया क्या करेंगे अपन, देखते जाइए देखते जाइए। यहाँ पे अपन आएंगे, यहाँ पे एक 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 जो स्ट्रिंग रहती है, अभी अभी देखिए ये एक स्ट्रिंग है अपने वाली, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसा आउटपुट दे रही है। तो अभी अभी हमें ऐसी की ऐसी प्रिंट करने की, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एक प्रकार के जो रॉ स्ट्रिंग है उसको जैसी है वैसी प्रिंट करके दे दो भाई मुझे। उसमें अभी कुछ भी आ जाए, स्लैशन आ जाए, स्लैश भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को वो वैसी की वैसी चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली एक एक लेटर डालना है यहाँ पे, आर आर, यानी कि क्या, ये जो ये, फिर ये हो जाएगी अपने लिए रॉ स्ट्रिंग। तो रॉ स्ट्रिंग देखिए आ गई, तो ये होता है अपना ना रॉ स्ट्रिंग का फॉर्मेट, जो सिंपली यहाँ पे वर्क हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब जो कुछ प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत अब अपने को, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, इसकी मदद से। ऐसे बहुत सारे अपन आगे देखने वाले हैं, बहुत धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा और देख लेते। प्रिंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे A+B, तो A+B तो मैंने लिखा ही नहीं। तो अभी अपन आएंगे थोड़ा सा वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो A+B क्या, आपने वाले वेरिएबल, तो अभी अपने को A=2 करूँ। हमेशा याद रखिए पाइथन लिखते वक्त थोड़ा सा ये जो इंडेंटेशन का इशू रहता है, वो आएगा बाद में आएगा, अभी तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसके लिए, ठीक है। मतलब ये जो रहता है ना, स्पेस देते हैं अपन, वैसा दे देने का मतलब,
अच्छा दिखता है। अगर आप ऐसा चिपक चिपक के लिखोगे तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब नहीं भी दिया तो चलता है, लेकिन दे दे देने से ना अच्छा दिखता है, बात ऐसी है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में ए प्लस बी अपने को लिखना है। हो गया भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि 2 प्लस इज इक्वल टू 3 है। तो आप इसको इंटू करो का कुछ भी करो, ये अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, अभी अपन आ गए ये वाले मैथमेटिकल से ऊपर, स्ट्रिंग्स से ऊपर। अभी अपन आ गए वेरिएबल्स के पास। ठीक है, एक ही वीडियो में अपन सारा का सारा बेसिक कवर कर लेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। कैसा है, टाइम पास करने से कोई उपाय नहीं रहता है मानुष का, ज़िंदगी छोटी सी है, उसको क्या बर्बाद करेंगे तुम। ठीक है, उसके बाद में अभी आते हैं, फिर से अपन लेते हैं ए लेते हैं और उस पर लिखते हैं अपन अभी। देखिए बात ऐसी है, अभी अगर मुझे ये जो काम है ये अभी एक ही लाइन में करना है, ठीक है, एक ही लाइन में अगर मुझे ये काम करना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। देखिए, ए कॉमा बी इक्वल टू 2.5, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए देखते हैं। हाँ, अभी मैं इसको सिंपली प्लस करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आएगा, फिर अपने को बात ऐसी हो जाएगी। देखिए कितना हो गया, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए हो गया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही आसान है, मतलब मल्टीपल लाइन में अगर आपको इनिशियलाइजेशन करना ना हो तो आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन ये जो ऑर्डर रहती है उसके हिसाब से आपको आगे जाना होगा। ठीक है, ऐसा ठीक है, ये जो ऑर्डर रहती है इसके हिसाब से आपको आगे आगे जाना होगा। तो ये इसके लिए और ये इसके लिए, ये जो अपना ये ग्रुप था, ऐसे ऐसे ग्रुप वाइज मैंने तैयार करके रख दिए यहाँ पे, आप देख लेना बाद में। ठीक है, उसके बाद में अभी आते हैं अपने को। अभी देखिए, आपने स्वैपिंग का प्रोग्राम तो देखा होगा, 2 नंबर का स्वैपिंग, मतलब ए की वैल्यू बी में आ जाती है, बी की वैल्यू ए में आ जाती है। तो उसको आप अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करोगे तो उसमें आपको 2 वेरिएबल में भी कर सकते हो, 3 वेरिएबल में भी कर सकते हो। ठीक है, 2 वेरिएबल में करोगे तो आपको वो माइनस का वो जो कुछ लॉजिक रहता है वो लिखना होता है, लेकिन पाइथन में बहुत ही सिंपल है, सिंपली यही ट्रिक अपन अपनाएंगे। तो देखिए बात कैसी है, अभी अपन करेंगे, समझ लो ए इज इक्वल टू अपना वाला 6 है 6 और बी इज इक्वल टू अपना वाला है 9, सॉरी बी इज इक्वल टू 9 है। तो अभी अपने को सी में देखिए, अरे सी में काय को डालने का है फिर की, देखिए बात ऐसे, अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, बी में ए की वैल्यू डालनी है और ए में बी की वैल्यू डालनी है। इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, ए कॉमा बी लिखना है इक्वल टू, और क्या करना है आपको, ए ए में कौन सी वैल्यू डालनी है, बी की कॉमा, बी में कौन सी वैल्यू डालनी की, ए की कॉमा। हो गया, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अपन सिंपली अगर प्रिंट करोगे, प्रिंट ए, और वैसे ही सेम एज अगर अपन बी करेंगे प्रिंट, तो देखिए यहाँ पे आ गया, सबसे पहले तो अपना 6 9 है ना, तो देखिए एक एक ए की क्या आ गई, 9 आ गई, और बी का क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, बी में तो 9 वैल्यू थी, लेकिन मतलब वो स्वैप हो गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे अपना छोटा सा सिंपल सा स्वैपिंग का लॉजिक यहाँ पे अपन पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है, नन्ना सा मुन्ना सा। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। तो एक स्टेप आगे जाते वक्त अभी अपने को क्या करना है, अगर अभी देखिए अभी अपन ने ये अलग अलग प्रिंट किया है ना, अभी अपन इसको एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे डबल कोट लगा देंगे और यहाँ पे बी लगा देंगे, और यहाँ पे मतलब आप कॉमा भी लगा सकते हो यार, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कॉमा भी लगा के तो आप प्रिंट कर सकते हो 9 और 6। अगर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा तो आपको प्लस प्लस लगाना होगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर स्ट्रिंग लगानी होगी, फिर ऐसा भी आप कर सकते हो, वैसा कुछ टेंशन नहीं, सॉरी ऐसा नहीं कर सकते आप। देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग फॉर मतलब
अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स है, मतलब ये जो प्लस का काम यहाँ पे ना करो तो अच्छा है, ये भी आने वाला है अपना लब बाद में, ठीक है, ये अपना आपका अपना लब बाद में आने वाला है, उसका कुछ टेंशन ना लो। यहाँ पे ए प्लस बी भी कर्ज करने की, ए कमा बी ही अच्छा है अपना ला, ये भी आने वाला है आगे की वीडियो में, अभी 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 तो मैं आपको ये बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो था अपना ला बेसिक सा इंट्रोडक्शन पाइथन के लिए, तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक एंड तक। इसमें अभी अपन देखने वाले, अभी देखिए बात ऐसी है कि हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोजेक्ट है जो ऑटोमेशन के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलेगी, मतलब आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा, ऐसा जब जो काम है ना वो भी अपन करने वाले हैं आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, तो देखते रहिए। थैंक यू।